विश्व वन्य जीव दिवस के मौके पर हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन वन्य जीवों को समर्पित कर रखा है। जयपुर जिले के पावटा तहसील के भंकारी निवासी एसएलए गोविंद भारद्वाज दिन रात वन्य जीवों की रक्षा में जुटे हुए हैं। यूं तो भारद्वाज पशुपालन विभाग में LSA हैं, लेकिन वो पिछले एक दशक से वन्य जीवों और पशु पक्षियों का निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। एक फोन पर बेजुबानों के इलाज के लिए तैयार रहते हैं। भारद्वाज ने अपने सेवा काल में 24,603 गाय, 2,371 नील गाय, 1920 मोर, 154 बंदर, 61 लंगूर, 2 जरक, 3 बाज, 2 बिच्छू और 700 से अधिक छोटे परिंदों का उपचार किया है। इसके अलावा 234 वन्य जीवों के ऐसे बच्चों का निप्पल एवं बोतल से दूध पिलाकर पालन पोषण किया है। जिनकी मां मर गई या जंगल में छोड़कर चली गई, भारद्वाज ने 6,000 लावारिस गायों के प्लास्टर कर उन्हें चलने योग्य बनाया। भारद्वाज ने अपने जान की परवाह किए बिना कुएं में गिरकर घायल हुए 25 वन्य जीवों को निकालकर उनकी जान बचाई। भारद्वाज पावटा, शाहपुरा, विराटनगर, कोटपुतली, बांसूर, नारायणपुर क्षेत्र में बेजुबानों का उपचार करते हैं। उपचार में काम आने वाली दवा और अन्य खर्चे वे स्वयं वहन करते हैं। कोरोना काल में जहां लोग अपना जीवन बचाने में लगे हुए थे, उस समय भारद्वाज डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा, मोहित शर्मा और दिव्या शर्मा बेजुबान घायल पशु पक्षियों का जीवन बचाने में जुटे हुए थे। कोरोना काल में हजारों पशु पक्षियों की जान बचाई और इन्होंने गत वर्ष फैली लंपी स्किन बीमारी के दौरान 1500 से अधिक गायों की जान बचाई। जीव हमारी प्रकृति की धरोहर है, इन्हें बचाना हमारा परम कर्तव्य है। ये बचेंगी तभी हमारा आने वाली पीढ़ियां इनको देख पाएंगी, क्योंकि इस समय बहुत विकट समस्या एक चल रही है। आजकल जंगलों का विनाश हो रहा है, हम सबको मिलकर एक काम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए और वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये वन्य जीव बचेंगे तभी हमारी आने वाली पीढ़ियां इनको देख पाएंगी, नहीं तो फोटो में वन्य जीवों की फोटो ही देख पाएंगे अपन। तो मैं सबसे ही एक गुजारिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वन्य जीवों को बचाएं और इनके जंगलों को विकास करें। हर व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए कि रोजाना एक पौधा लगाएं। ऐसे लोग हमारे जीवन में किसी मिसाल से कम नहीं है। जहां लोगों में इंसानों या अपनों के लिए दया भाव नहीं बचा, वहां गोविंद भारद्वाज जैसे लोगों का इस तरह का जानवरों के प्रति सेवा भाव सराहनीय कदम है।